सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ निशित और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है फिर से। आज है ट्यूसडे 12th of January और कल इतना लंबा राइड किया ना तो बाइक थोड़ी थक गई है, तो उसको आराम करने रखा है मैंने। और आज सुबह हम लोग निकले, मैं और हुजैफा उसके कार में जा रहे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आनंद से है 100 किलोमीटर और 2-2.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। सुबह के 7:30 बजे तो हम लोग 6 बजे से उठ के तैयार व्यार होके 7 बजे निकल गए थे। अभी यहाँ पे चाय पानी नाश्ता किया थोड़ा और अभी हमारी जर्नी हम लोग ने स्टार्ट की है, ठीक है। और जो बंदा अपने बाइक को इतना साफ रखता है वो कार को हाथ भी नहीं लगाता। कार की हालत देखेगी आप लोग ने, मतलब यहाँ से मेरे को कुछ दिखने रहा है तो आप लोगों को भी कुछ व्यू देखने नहीं मिलेगा जब तक ये बंदा कहीं पे रुक के ये कांच को साफ नहीं करता तब तक, ठीक है। यही बंदा है, ये देखो शक्ल दिखा, शक्ल दिखा देख लो भाई, मुंह भी नहीं धोया है सुबह सुबह इसने, ऐसे ही उठ के आ गया है। क्या ठंडी में कौन धोएगा भाई, ठंडी अभी तो है, मतलब बराबर बोल रहा है वो, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं। चलो अभी तो सुबह सुबह हम लोग उठे तो एनर्जी थोड़ा डाउन है, जब तक थोड़ा आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मजा आएगा। चलो
सो गाइस नीलकंठ धाम से हम लोग दूसरे जगह पे आ चुके हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा नेचर से रिलेटेड घूमने वाले हम लोग। और नीलकंठ धाम मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके, मतलब मज़ा आ गया, मतलब इतना पीसफुल था, इतनी शांति थी। वीकडे था तो पब्लिक कम थी और पूरे मंदिर में पीछे एकदम हल्का हल्का सा म्यूज़िक बज रहा था और साथ ही साथ में स्वामी नारायण स्वामी नारायण, मतलब एकदम शांति मिल गई आत्मा को, ऐसा एकदम मज़ा आ गया सच में। और इतना बड़ा मंदिर बना के रखा है ना कि मंदिर को देख के ही मतलब ऐसा लगता है कि वाह क्या है ऐसा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मंदिर के बाहर बाजू में ऐसा मतलब शॉपिंग मॉल जैसा बना के रखा है, चप्पल जूते फिर सैंडल बच्चों के खिलौने ये वो, मतलब एक साइड पे मंदिर बना रहे हो भगवान की भक्ति कर रहे हो, दूसरे साइड पे तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, ये चीज़ थोड़ी मेरे को खटकती है, बाकी सब ठीक है। चलो अभी नए लोकेशन पे आ चुके हैं वो देखते हैं। जगह का नाम क्या है? बार वंजार। बार वंजार ये इतना कचरा, साला पिकनिक मनाने आते हैं लेकिन कचरे इधर ही छोड़ के जाते हैं। अभी 12 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकले हैं, मजा आ गया वाटरफॉल के उधर बैठ के, मतलब एकदम शांति थी, कोई है नहीं यहाँ पे। फिर थोड़ी देर के बाद एक प्री वेडिंग शूट वाले आ गए थे, दो कपल और चार फोटोग्राफर्स, तो फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे और फिर हम लोग निकल गए क्योंकि उन लोग को भी शूट करना था, तो हम लोग बीच में आए नहीं उसकी वजह से। और वैसे भी हम लोग को जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो मिलते अभी सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी जाके। बाकी तो अभी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, गर्मी लगना चालू हो गई आज तो, मतलब एसी चालू करनी पड़ी उतनी गर्मी है, सोचो अभी मतलब दो दिन में ऐसा क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना पता भी नहीं चलता, मतलब कल तक तो ठंडी थी आज गर्मी हो गई।